Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. I am Mahmood Ahmad, lecturer biology. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राइबोसोम के ऊपर. थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा राइबोसोम का ताकि आपको राइबोसोम क्लियर हो कि राइबोसोम है क्या. सेल कंटेन द टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम. इस सेल के अंदर छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, उसको हम राइबोसोम बोलते हैं. पहले 1955 वो पहला पर्सन था जिसने राइबोसोम को स्टडी किया. यूकैरियोटिक राइबोसोम के अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. इनके राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं. आरएनए राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं. राइबोसोम की दो फॉर्म होती है. जब एक राइबोसोम वो होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, और कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मर्ज होते अटैच होते हैं. यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो उनके दो सब यूनिट होते हैं. देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ दो सब यूनिट कौन से हैं. देखें, एक है 60S, ये बड़ा सब यूनिट, और एक है 40S. जब भी प्रोटीन नहीं बननी होती तो ये दोनों जो सब यूनिट है ना 60S 40S ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे सेल में प्रोटीन बननी होती है तो ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं और ये फिर प्रोटीन बनाते हैं. यूं समझिए जब प्रोटीन नहीं बनती ये डिसअसेंबल होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन बननी होती है तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में आकर अटैच होते हैं. अभी जो लार्जर सब यूनिट है इसको हम बोलते हैं 60S और जो स्मॉलर सब यूनिट है इसको हम बोलते हैं 40S. सबसे पहले तो आपको पता हो कि एस क्या है. एस एक स्वेडबर्ग यूनिट है. इस यूनिट से पता चलता है कि मॉलिक्यूल सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर कितना फास्ट मूव करता है. एस एस इज द यूनिट स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट. ये स्वेडबर्ग यूनिट किस लिए होता है ये बताता है कि मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, वो कितनी फास्ट काम करता है. ये स्वेडबर्ग यूनिट हो गया. और एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में और आता है कि 60S और 40S पार्टिकल जब आपस में अटैच होते हैं तो 80S का पार्टिकल बनता है, यानी कि लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जब आपस में अटैच होते हैं तो राइबोसोम बनता है. वो राइबोसोम 60S और 40S अगर आपस में अटैच होते तो 100S का राइबोसोम बनना चाहिए, लेकिन ये 80S का राइबोसोम बनता है. अब उसकी रीजन क्या है. जो 60S का पार्टिकल है और जो 40S का पार्टिकल है, इन दोनों सब यूनिट्स के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है वो डिफरेंट है, उनकी मिकदार डिफरेंट है. इसलिए जब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं तो 80S का पार्टिकल बनता है, और इस इन दोनों के अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है. तो चले डिस्कस करते हैं राइबोसोम क्या है. राइबोसोम इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपसे बात की है कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन, इसलिए हम इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं. फिर हमने कहा कि राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. राइबोसोम किसके अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं. बच्चे मिक्स कर जाते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को. देखिए सेल, सेल में मौजूद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं. वहां से जाहिर सी बात है जब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं तो ये राइबोसोम न्यूक्लियोलस से निकलकर साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं. जाहिर सी बात है अगर ये न्यूक्लियोलस के अंदर है तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलकर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे. उसके बाद राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म. मैंने पहले बताया कि कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते होते हैं और कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. तो इस तरह वो दो फॉर्म के अंदर होते हैं. राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट. मैंने आपको भी बताया कि जब प्रोटीन नहीं बनती तो राइबोसोम डिसअसेंबल्ड होते हैं, यानी कि 60S यूनिट अलग होता है और 40S यूनिट अलग होता है. लेकिन जैसे राइबोसोम बनना होता है, सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, तो 60S और 40S यूनिट आपस में अटैच होकर 80S यूनिट बनाते हैं. तो वो ये बता रहा है राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट. एक सब यूनिट है 60S और दूसरा सब यूनिट है 40S. जब ये दोनों आपस में अटैच होते हैं तो 80S का पार्टिकल बनता है, और इनके अटैचमेंट को ये मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 60S और 40S आपस में अटैच होकर 80S का पार्टिकल क्यों बनाते हैं, क्योंकि 60S के अंदर राइबोसोमल आरएनए की मिकदार और 40S के अंदर राइबोसोमल आरएनए की मिकदार डिफरेंट होती है. अब हम बात करेंगे प्रोटीन किस तरह बनती है. ये देखें, ये मैसेंजर आरएनए, देख रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए 5 एंड से स्टार्ट हो रहा है, 3 एंड पे खत्म हो रहा है. अब होता क्या है कि राइबोसोम का एक सब यूनिट यहाँ से आता है और एक सब यूनिट यहाँ से आता है. ये दोनों सब यूनिट आके अटैच होते हैं. जैसे अटैच होते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाती है और फिर ये प्रोटीन बनता है. तो राइबोसोम अटैच टू द
फाइव एंड ऑफ द राइबोसोम अटैच टू द फाइव एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए थ्रू द स्मॉलर सब यूनिट. राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. देखिए न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनते हैं, लेकिन राइबोसोम जब सेल के अंदर आते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं. एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर राइबोसोम के अंदर आता है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम. ये अक्सर आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए देखिए. और आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है. इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर डालें और सब्सक्राइब भी कर दें.